कितने किलो वोल्ट की है, 220 किलो वोल्ट की। तो इस 220 किलो वोल्ट की लाइन को आगे कंटिन्यू करना है और हमें इसे अर्थ से इंसुलेटेड रखना होगा, जिसके लिए यहाँ पर जगह जगह इंसुलेटर डिस्क लगेंगी। और क्योंकि वोल्टेज के ही ऊपर इंसुलेशन का साइज डिपेंड करता है, तो इंसुलेशन के लिए यहाँ पर कितनी डिस्क लगेंगी, तो डिस्क का नंबर डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितना है। तो जैसा कि यहाँ पर 220 किलो वोल्ट है बस पे भी और ट्रांसमिशन लाइन पर भी, तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ डिस्क लगेंगी 14, लेकिन यह लगेंगी सस्पेंशन असेंबली में जो नीचे की तरफ लटकी हुई हैं। लेकिन जो डेड एंड्स पे लगी होती हैं इनके ऊपर और ज़्यादा टेंशन होती है, तो यहाँ पे एक डिस्क एक्स्ट्रा होती है, तो इस हिसाब से यहाँ पर 15 डिस्क लगेंगी। या फिर कहीं पे डाइवर्जन हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन कहीं पे मुड़ रही है, तो वहाँ पर भी टेंशन असेंबली कई बार यूज़ होती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए अलग अलग नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क लगती हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो अगला सबस्टेशन होगा वह इस सबस्टेशन से कितना दूर होगा। तो यह जो लाइन है यह 220 किलो वोल्ट की है। बुक्स में आपको ऐसा आंसर मिलेगा कि जो 132 किलो वोल्ट से ऊपर की लाइन्स हैं उनकी लेंथ 150 किलोमीटर से ऊपर होती है, उन्हें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 150 किलोमीटर की ही लाइन होगी, इससे ज़्यादा डिस्टेंस भी हो सकता है और इससे कम डिस्टेंस भी हो सकता है, या इस लाइन पर जो अगला सबस्टेशन है वो अलग अलग डिस्टेंस पे हो सकता है। तो अब जैसे 220 किलो वोल्ट की लाइन हमने बनाई है तो यह 300 किलोमीटर तक भी जा सकती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर जो सबस्टेशन होगा वहाँ पर हम जो पावर ड्रॉ कर पाएंगे वह सिर्फ 67 मेगावाट ही ड्रॉ कर पाएंगे। इससे ज़्यादा पावर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो उस एंड पे जो वोल्टेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा पावर ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से 200 किलोमीटर दूर कोई सबस्टेशन है तो वहाँ पर हम 100 मेगावाट पावर को ड्रॉ कर सकते हैं। यह 100 मेगावाट एक सर्किट का है। हम यहाँ पर देख रहे हैं टावर के ऊपर दो सर्किट जा रही हैं, तो एक सर्किट से 100 ड्रॉ हो रहा है तो 200 मेगावाट ड्रॉ हो जाएगा ईजिली, लेकिन इससे ज़्यादा हम ड्रॉ नहीं करेंगे। अदरवाइज वोल्टेज रेगुलेशन की जो मैक्सिमम लिमिट फिक्स करी गई है उससे ज़्यादा वोल्टेज डाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से और पास है सब स्टेशन, 100 किलोमीटर है तो हम 200 मेगावाट ड्रॉ कर सकते हैं, और काफ़ी पास है 50 किलोमीटर दूर है तो हम 400 मेगावाट ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ एक सर्किट से ही, यानी एक टावर के ऊपर हम 800 मेगावाट भी ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम एक फिक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, 200 किलोमीटर बाद ही हमारा सबस्टेशन है, तो उस सबस्टेशन में चलते हैं। तो ये 200 किलोमीटर चलने के बाद हम आ गए अपने नेक्स्ट सबस्टेशन पे, और ये हमारी दो सर्किट इन ट्रांसमिशन टावर के ऊपर चलकर आ चुकी हैं। सबसे पहले हमारी जो एक सर्किट एंटर होगी सबस्टेशन में, उसके स्टार्टिंग में ही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगे होंगे ताकि इस सर्किट के ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है ये हमेशा पता लगता रहे। और फिर सर्ज अरेस्टर्स लगे होंगे जो लाइटनिंग सर्ज या स्विचिंग सर्ज को प्रॉपरली अर्थ करते रहेंगे और इसे स्टेशन के अंदर नहीं पहुंचने देंगे। अब इस सब स्टेशन के अंदर हमारी बसेस हैं जिनके ऊपर हम ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो देखा था सब स्टेशन, उसमें सिर्फ दो बस थी, दोनों मेन बस थी, मेन बस 1 और मेन बस 2। इस सब स्टेशन में यहाँ पर हमारे पास 3 बस हैं, ये रही 1, ये रही 2 और ये रही 3। तो यहाँ पर 2 मेन बस हैं और एक ऑक्सिलरी बस है, ये रही मेन बस 1, ये रही मेन बस 2 और ये रही ऑक्सिलरी बस। जो हमारी एक सर्किट आ रही है सब स्टेशन के अंदर वो इन तीनों बस से कनेक्ट होगी। सबसे पहले वो इस गैंगट्री से होते हुए इस गैंगट्री पे आएगी, फिर वह नीचे उतरेगी, इन करेंट ट्रांसफार्मर में एंटर होगी। इन करेंट ट्रांसफार्मर से होने के बाद ये दोनों तरफ जाएगी, तो यह ऑक्सिलरी बस में सीधा आइसोलेटर से होते हुए आएगी, बीच में कोई सर्किट ब्रेकर की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो मेन बस 1 और मेन बस 2 हैं, ये रही मेन बस 1 और ये रही मेन बस 2, इसमें यह ट्रांसमिशन लाइन इस आइसोलेटर से होते हुए फिर इस सर्किट ब्रेकर से होते हुए जाएगी दोनों बस में। उससे पहले ये जाएगी इस गैंगट्री पर, इस गैंगट्री से होते हुए ये वाली गैंगट्री के ऊपर जाएगी, फिर इस गैंगट्री से नीचे उतरेगी, यहाँ पर ये दोनों ही बस में जाएगी आइसोलेटर के थ्रू होते हुए। तो ये मेन बस 1 में जाएगी इस आइसोलेटर के थ्रू होते हुए, और मेन बस 2 में जाएगी इस आइसोलेटर के थ्रू होते हुए।
तो यह फाइनली हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की एक सर्किट आई है वो तीनों बस में, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की एक सर्किट आई है वो तीनों बस में पहुंच जाएगी। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं हमें किस समय किस बस में उसकी सप्लाई देना है। इसी प्रकार से जो हमारी दूसरी सर्किट है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से तीनों बस में चले जाएगी, ट्रांसफर बस में सीधा सीधा चले जाएगी। इस आइसोलेटर से होते हुए मेन बस वन और मेन बस टू में जाएगी, दो आइसोलेटर से होते हुए, लेकिन इससे पहले लगा होगा एक सर्किट ब्रेकर। तो इस प्रकार से हमारी दोनों सर्किट आ चुकी हैं, तीनों बस में कनेक्ट हो चुकी हैं। तो ये जो हमारी बस हैं 220 केवी की, इनके ऊपर ज़रूरी नहीं है इसी पावर प्लांट से ट्रांसमिशन लाइन आकर कनेक्ट होंगी, हो सकता है दूसरे किसी पावर प्लांट से भी ट्रांसमिशन लाइन आकर इनके इन बस के ऊपर कनेक्ट हो जाए और वहाँ भी इन बस को पावर फीड करे। जैसे कि यहाँ पर दूसरी ट्रांसमिशन लाइन आई हुई है किसी और से और वह भी इसी प्रकार से इन तीनों बस के ऊपर कनेक्टेड है। इन सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर को प्रॉपर सीक्वेंस में ऑन ऑफ करते हुए हम किसी भी बस से कनेक्ट हो सकते हैं और किसी भी बस से डिसकनेक्ट हो सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पर। तो जब एक से ज़्यादा बस होती हैं तो बस कपलर भी ज़रूरी होता है बस को कपल करने के लिए, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन किस समय किस बस से कनेक्टेड है कोई फिक्स नहीं होता है। तो सारी बस को एक पोटेंशियल पर लाने के लिए बस कपलर का उपयोग होता है। तो इस सिस्टम में भी बस कपलर लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन बस हैं इसलिए तीनों को कपल करना है। तो ये जो बस कपलर है इन तीनों को एक साथ कपल कर सकता है, और यह वाला जो बस कपलर है यह मेन बस वन और मेन बस टू को कपल कर रख सकता है जब इनका यूज़ हो रहा हो। जो लोग बस कपलर को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं वह हमारे इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस को देखकर और आसानी से समझ सकते हैं। तो यह तो रही 220 किलोवोल्ट की सब स्टेशन बस। ऑब्वियसली बात है हमें अगर पावर को यूज़ करना है तो 220 किलोवोल्ट पर तो यूज़ नहीं कर सकते, उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा और हमें आसपास के एरिया में उसे भेजना पड़ेगा। तो इसके वोल्टेज को डाउन करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं दो ट्रांसफार्मर। और अगर हमें इस सब स्टेशन के बाद भी और काफ़ी दूर जाना है तो बेटर यही होगा कि हम हाई वोल्टेज की लाइन को ही लेके जाएं, लो वोल्टेज की लाइन को ले जाने से अच्छा, क्योंकि लो वोल्टेज की लाइन को लेके जाएंगे तो ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो हम 220 किलो वोल्ट को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में एक इन तीनों बस से निकल के एक ट्रांसमिशन लाइन गई है 220 किलो वोल्ट की, यह सिंगल सर्किट लाइन है। इस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर सिर्फ तीन वायर ही जा रहे हैं और यह सीधा इन तीन बस से निकल कर चली गई है, आगे कंटिन्यू हो गई है। तो 220 किलो वोल्ट है तो हम काफ़ी डिस्टेंस तक जा सकते हैं, 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक इजीली जा सकते हैं। लेकिन अब हमें इस पावर को इस एरिया में ही आसपास डिस्ट्रीब्यूट करना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो हमें उसका वोल्टेज डाउन करना होगा। तो यहाँ पर हम वोल्टेज को डाउन करेंगे। अगर हमें बिल्कुल इसी स्टेशन के आसपास पावर को यूज़ करना है तो हम उसको काफ़ी ज़्यादा इसके वोल्टेज को डाउन करेंगे 33 किलो वोल्ट 11 किलो वोल्ट तक। लेकिन अगर फिर भी इससे जो एरिया है वो दूर दूर है जहाँ पर हमें पावर को ट्रांसमिट करना है तो हम इसको 220 किलो वोल्ट से गिराकर हम 132 किलो वोल्ट पे भी चेंज कर सकते हैं। तो यह रहा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिससे हम पावर को स्टेप डाउन करेंगे। तो यह जो हमारा ट्रांसफार्मर है वह इधर से होता हुआ ऑक्सिलरी बस से भी कनेक्टेड है और इस तरफ होता हुआ इस सर्किट ब्रेकर से, फिर यह मेन बस वन और मेन बस टू से भी कनेक्टेड है। तो हम इसे जब जिस बस से कनेक्ट करना चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइन आ गई है यहाँ तक 220 किलो वोल्ट की। अब इस ट्रांसफार्मर में इस लाइन को ले जाने से पहले हम लगा देंगे सर्ज अरिस्टर, जो कि स्विचिंग सर्ज और लाइटनिंग सर्ज को अर्थ कर देंगे, ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुँचने देंगे। और ये 220 किलो वोल्ट की लाइन यहाँ इस गैंग ट्री तक आई हुई है, फिर ये यहाँ से नीचे उतरेगी इस ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड जाएगी और फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज जब स्टेप डाउन हो जाएगा तो लो वोल्टेज साइड से निकलेगी, निकल के ये आगे की बस की तरफ कंटिन्यू होगी। तो जब ये लो वोल्टेज साइड आएगी इस तरफ, यहाँ पर सिर्फ दो ही बस हैं, वहाँ पर तीन बस थी, यहाँ पर दो बस हैं। दो बस में भी एक मेन बस है और एक ऑक्सिलरी बस है। तो ऑक्सिलरी बस को कैसे पहचानते हैं? सीधी सी बात है, ऑक्सिलरी बस के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ नहीं होते, एक आइसोलेटर के थ्रू ही हम ऑक्सिलरी बस पर कनेक्ट हो जाते हैं। या ऑक्सिलरी बस पर कनेक्ट हो गए, हमारी लाइन आई थी नीचे करंट ट्रांसफार्मर में गई थी, फिर करंट ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद दोनों तरफ गई हुई है, ऑक्सिलरी बस के तरफ भी और मेन बस के तरफ भी। लेकिन मेन बस के तरफ जो है वो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये 132 किलो वोल्ट का सर्किट ब्रेकर है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा सिंपल है 220 किलो वोल्ट के से कंपेयर करें तो यह रही मेन बस वन
और यहाँ रिमेन बस टू। तो हमारा वोल्टेज स्टेप डाउन हो चुका है। यहाँ पर हम यहाँ इन बस के ऊपर जो वोल्टेज है वह 132 किलो वोल्ट है। यहाँ पर बस में जो हमने दिखाई है वह सॉलिड बस दिखाई है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो बस है ये पाइप के फॉर्म में है, सीधे रॉड के फॉर्म में, या इनको बस बार बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा जो 220 किलो वोल्ट साइड जो बस थी वह फ्लेक्सिबल बस थी। दो टावर के बीच में खींचकर बांधा गया था इनको ये, और टावर से इंसुलेट करा गया था इंसुलेटर डिस्क के थ्रू। तो यह इस प्रकार से दो टावर के बीच में लटकी रहती है, इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल बस। और यहाँ पर जो हम बस देख रहे हैं 132 किलो वोल्ट साइड, यहाँ पर हम सॉलिड बस देख रहे हैं। ये इंसुलेटर डिस्क के ऊपर पाइप लगे हुए हैं, तो लो वोल्टेज साइड जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सॉलिड बस यूज़ करने की, यहाँ पर ज़्यादातर सॉलिड बस यूज़ होगी और इसका कंडक्टर जो होगा वो ज़्यादा मोटा होगा एज़ कम्पेयर टू 220 किलो वोल्ट साइड। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ डिस्क यूज़ होंगी वह कम यूज़ होंगी। 132 किलो वोल्ट के लिए जो नंबर ऑफ़ डिस्क लगेंगी वह कितनी लगेंगी, 9। तो यहाँ पर टोटल 9 डिस्क लगेंगी। इन गैंग ट्रीज के ऊपर भी जो डिस्क लगेंगी वह 9 होंगी। और फिर फाइनली ये जो 132 किलो वोल्ट की जो बस है इससे हम अपने कनेक्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आसपास जो एरियाज हैं ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन 100 या 150 किलोमीटर के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर हम ट्रांसमिशन लाइन को लेकर जा सकते हैं 132 किलो वोल्ट की। जिस प्रकार से कनेक्शन ट्रांसफार्मर से आया था इन दोनों बस पर, ऑक्सिलरी बस पे एक आइसोलेटर के थ्रू गया था, जबकि मेन बस पे एक सर्किट ब्रेकर और दो आइसोलेटर के थ्रू गया था, इसी प्रकार से ये ट्रांसमिशन लाइन में निकल कर चला जाएगा कनेक्शन। ऑक्सिलरी बस से सिर्फ एक आइसोलेटर के थ्रू जाएगा और मेन बस से दो आइसोलेटर लगे होंगे, उनके बीच में यहाँ लगा होगा सर्किट ब्रेकर 132 किलो वोल्ट का सर्किट ब्रेकर। इसका डिज़ाइन हम देख चुके हैं, अलग है 220 किलो वोल्ट के सर्किट ब्रेकर से, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कम है तो उतना ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं है इसका एज़ कम्पेयर टू पिछले वाले की। और यह दोनों तरफ से यह जो कनेक्शन आ रहा है, चाहे हम ऑक्सिलरी बस से कनेक्टेड हों चाहे मेन बस से कनेक्टेड हों, पहले कनेक्शन जाएगा करेंट ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल में और फिर दूसरे टर्मिनल से निकलते हुए आगे कंटिन्यू कर जाएगा ट्रांसमिशन लाइन में। तो जब ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से बाहर जाएगी तब भी यहाँ पर सर्ज अरेस्टर लगे होंगे, ताकि इस सब स्टेशन में जो स्विचिंग सर्ज प्रोड्यूस होंगे वो आगे ट्रांसमिशन लाइन में ना ट्रेवल करें, या फिर वहाँ जो लाइटनिंग की वजह से लाइटनिंग सर्ज होंगे वहाँ सब स्टेशन में एंटर ना करें। और इस ट्रांसमिशन लाइन को प्रॉपरली कितना वोल्टेज मिल रहा है उसको कंटिन्यूस मेजर करने के लिए यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगे होंगे। लाइटनिंग अरेस्टर को और बिल्कुल डिटेल में समझना है तो आप सीरीज़ के पिछले वीडियोस देखें, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है एनिमेशन के थ्रू। और फाइनली यहाँ से जो कनेक्शन है 132 किलो वोल्ट पर निकल कर आगे ट्रांसमिशन लाइन से कंटिन्यू करेगा। तो ये रही 132 किलो वोल्ट की टावर, इस पर भी डबल सर्किट है, एक सर्किट ये रही दूसरी सर्किट ये रही। इन टावर पे जो डिस्क लगेंगी वह भी कितने होंगी, 9 नंबर्स होंगे उन डिस्क के भी। तो इस 132 किलो वोल्ट की जो बस है इससे काफ़ी सारे कनेक्शन निकले हुए हैं, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 सर्किट यहाँ से गई हुई हैं अलग अलग। इस एग्जांपल में बिल्कुल स्ट्रेट जाते हुए दिख रही हैं, ज़रूरी नहीं है ये यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से इस सब स्टेशन में 220 किलो वोल्ट की लाइन आई, पर दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं पैरेलल में, इनकी हेल्प से वोल्टेज को स्टेप डाउन करा गया। किलो वोल्ट और फिर इनको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और अगर ज़्यादा दूर जाना है तो हम हाईएस्ट वोल्टेज को लेकर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और इन 132 किलो वोल्ट की लाइन के ऊपर भी हो सकता है अलग जनरेटिंग स्टेशन से लाइन आकर इनके ऊपर जुड़ी हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो यह हो गया हमारा इंटरमीडिएट सब स्टेशन। यहाँ पर सब स्टेशन पर हम वोल्टेज को डाउन तो कर ही रहे हैं, स्टेप डाउन सब स्टेशन बोल सकते हैं, या स्विचिंग सब स्टेशन का भी काम कर रहा है। स्विचिंग सब स्टेशन का काम कैसे कर रहा है, यहाँ से जो 220 किलो वोल्ट की ही लाइन जो कंटिन्यू हो रही है उसको हम यहाँ इस सब स्टेशन से, यहाँ से जो 220 किलो वोल्ट की लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है इसको हम इसी सब स्टेशन से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो स्विचिंग पर्पस भी हमारा फुलफिल हो रहा है यहाँ से। अभी भी इस सब स्टेशन को लेकर काफ़ी सारी बातें हमको डिस्कस करनी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को मैं